सारे बच्चे शोर मचा के दिखाइए। गुलशन शर्मा जी, DGICSI, an acclaimed academician and a motivational speaker, to kindly come on the podium and bless the students. Bharat Mata Ki! Bharat Mata Ki! मैं दो बच्चे यहां से ऐसे भी सेलेक्ट करना चाहूंगा जिनको तीन दिन की सिंगापुर की यात्रा हम फ्री में देंगे। अब मैं चाहता हूं जितना प्रयास इस प्रोग्राम के आयोजन का लोगों ने किया है उसका फायदा बच्चों तक पहुंचना चाहिए। सारे बच्चे 10 मिनट के लिए, सिर्फ 10 मिनट के लिए मेरे साथ जुड़ जाइए। एक नई चीज, एक नई भाषा, एक नई जर्नी, एक नई यात्रा शुरू होगी। क्योंकि जब मैं आपकी तरह स्कूल में पढ़ता था तो मेरा एक ही सवाल था, जब एक टीचर एक सब्जेक्ट अच्छे से नहीं पढ़ा सकता तो एक बच्चा 6 सब्जेक्ट कैसे पढ़ सकता है। मुझे इस बात की कभी समझ नहीं आई, एक टीचर अगर एक अच्छा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता तो एक बच्चा 6 सब्जेक्ट कैसे पढ़ सकता है। बैठ जाओ। पहला सवाल 1,000 रुपए का, मैं निवेदन करूंगा पीछे वाले बच्चों के इंतजाम में जो टीचर खड़े हैं या जो बीच में टीचर हैं, अगर वो सवाल का सही जवाब, एक माइक नितिन, एक माइक बच्चों तक पहुंचना चाहिए। देवेंद्र जी आपकी अनुमति चाहिए। एक माइक लेफ्ट में, एक माइक राइट में, और पहला 1,000 रुपए का इनाम कौन बच्चा जाके आज अपना फास्ट फूड लेगा। पहला क्वेश्चन, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई गोरा है, कोई मीडियम कलर का है। मेरे माता पिता की हाइट छोटी तो मैं अमिताभ बच्चन की तरह लंबा कैसे हो सकता हूं। जब फैक्ट्री का प्रोडक्शन ही छोटा, आउटपुट ही छोटा, तो वह अमिताभ बच्चन बाहर कैसे आएगा। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा जिनकी छोटी हाइट उनको कुछ फायदे, उनकी पेंट में कम कपड़ा लगता है, कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए वो बीच में से निकल जाते हैं, लंबा आदमी फंस जाता है। अगर माइक दोनों तरफ पहुंच गए हो तो हाथ खड़ा कर दीजिए कि माइक पहुंच गए। पहला सवाल 1,000 रुपए का रेडी है, माइक पहुंचाइए। नितिन ठाकुर जी, पहला माइक बच्चों तक पहुंचना चाहिए। आज का दिन बच्चों का है, ये सब कुछ बच्चों का है, ये सब कुछ बच्चों के लिए हो रहा है। IIT के रोपड़ के जो डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने बहुत प्रयास किया, उन्होंने बहुत अच्छी बातें आपको कहने की कोशिश करी, और आपने जो कुछ भी उनसे सुना, और लास्ट में उन्होंने एक ही बात बताई कि जो मोबाइल फोन है इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल है। मैं दूसरा सवाल मोबाइल फोन पे बाद में आऊंगा। पहला सवाल, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई गोरा है, कोई कम गोरा है, कोई यहां पर है, कोई नागालैंड में है। हम सब अलग अलग हैं, लेकिन परमात्मा ने, खुदा ने, प्रभु ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, वाहेगुरु ने सबको एक ही चीज बराबर दी है पूरे संसार में, हर प्राणी को। वो चीज क्या है? जो भी टीचर पीछे खड़े हो, जिनको लगता है कि जिस बच्चे का हाथ सबसे पहला है उसको 1,000 रुपए का इनाम मैं IIT रोपड़ से दिलवाऊंगा। ओके, कोई भी जो टीचर पीछे है, माइक दीजिए बच्चे को, माइक दीजिए, माइक माइक चाहिए। नितिन जी, पहला जवाब कौन बच्चा इस तरफ से देना चाहेगा? एक बच्चा, कोई भी माइक, नितिन माइक। ओके, जवाब बताइए। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है? नहीं, अपॉर्चुनिटी बराबर नहीं होती है, कोई गांव में है, कोई शहर में है। चलिए आगे, इस तरफ, इस तरफ। सर दिमाग, सर दिमाग, दिमाग, सर दिमाग, दिमाग, दिमाग सबका बराबर नहीं है। कोई सुबह उठता है
उसको 6 बजे अच्छे आइडियाज आते हैं और कोई दोपहर के 12:30 बजे तक आइडिया ढूंढता रहता है, लेकिन ट्रिब्यून के तिवारी जी उसे कोई आइडिया नहीं देते। नहीं, आइडिया सेम नहीं। यस, नेक्स्ट। सोशल राइट। सॉरी, सोशल राइट। क्या बेटा? सोशल राइट। सोशल राइट छोड़ दीजिए, हर एक कंट्री के अलग अलग हैं। इस तरफ ब्लड 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 ब्लड, आपका बी पॉजिटिव है, मेरा ए पॉजिटिव है, बैठ जाओ। इस तरफ वोट 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 नहीं, इस तरफ टाइम टाइम। ये कौन बच्चा बोला? ये कौन बच्चा बोला? दीवार कूद के आगे आ जाओ, ये बच्चा दीवार कूद के आगे। यस, संसार में, दुनिया में, आपने पहले बोला कि इन्होंने बोला? ओके 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 ओके, इन दोनों बच्चों के लिए जोरदार क्लैपिंग। और आईआईटी के रोपड़ के डायरेक्टर साहब आ जाइए, आ जाइए। 1,000 रुपया, क्या नाम है बेटा? इंद्रजीत को आपका क्या नाम? तरुण शर्मा को भी 1,000 रुपया। दिखाइए पब्लिक को, दिखाइए। दोनों बच्चों ने जीतिया, दोनों के लिए क्लैपिंग क्लैपिंग, कम ऑन, शाबाश। दोनों बच्चों के लिए जोरदार तालियां, कम ऑन कम ऑन। टाइम 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 टाइम, 24 घंटे। आप कनाडा में हैं, आप अमेरिका में हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, आप नाइजीरिया में हैं, आप इंडिया में हैं, आप पंजाब यूनिवर्सिटी में हैं, आप आईआईटी रोपड़ में हैं। 24 घंटे खुदा ने सबको बराबर दिए हैं। जो 24 घंटे का सही इस्तेमाल करता है वो औरों से आगे बढ़ जाता है। आज के बाद पहला एंटरप्रेन्योरशिप का पहला सबसे बढ़िया सोचने का ढंग है अपने मोबाइल फोन का कितने टाइम का सही इस्तेमाल करना है, ये हर बच्चे पर डिपेंड करेगा। और इन दोनों बच्चों को हम अपने चेंबर की तरफ से 3 दिन का दिल्ली, आगरा और जयपुर का फ्री ट्रिप देते हैं। इन दोनों बच्चों को हम अपने चेंबर की तरफ से दिल्ली, आगरा, जयपुर फ्री ट्रिप। मैं किसी टीचर से निवेदन करूंगा, जो भी इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जो बच्चे विनर हैं उनके नाम नोट कीजिए, उनके स्कूल का नाम नोट कीजिए और उसके बाद वो लिस्ट पूरी दयानिधि जी को दें। ओके, सेकंड सवाल, एक चीज और ध्यान से सुनिए, स्कूल में क्लास में कोई भी टीचर कभी भी पढ़ाने आता है, पहला शब्द कीप क्वाइट, डोंट टॉक, साइलेंस, ये कौन बच्चा बोल रहा है? चुप, बैठ जाओ। और जब हम नौकरी के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कुछ बोलिए, कुछ बोल के दिखाइए, कुछ तो बोलिए, कुछ तो कहिए, एक बार सारे बच्चे शोर मचा के दिखाइए, कम ऑन। यस, एक बार सारे बच्चे शोर मचा के दिखाइए। अब आप देखिए आईआईटी रोपड़ के माध्यम से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मैंने पहला लेसन आपको दे दिया, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाएगी जब आप अपना गला खोल लेंगे। जो बच्चा जितना ऊंचा बोलेगा, जो लोग वीडियो बना रहे हैं नोट कीजिए, उन बच्चों की शक्लों को हम अपने वीडियोस में लेंगे और उन बच्चों को कम्युनिकेशन आइडल कॉन्टेस्ट में लेके चलेंगे। एक बार जोर का शोर मचाना, क्लैपिंग कर लिए, 1 2 3, यस 1 2 3। आज के बाद मैं हर टीचर को निवेदन करूंगा, बच्चों को शोर मचाने दीजिए, बच्चों को बोलने दीजिए, बच्चों को एक्सप्रेस करने दीजिए। बच्चे जब तक एक्सप्रेस नहीं करेंगे उनकी कम्युनिकेशन स्किल का कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ सकता।
The children should speak. Sare bache mere saath ikatthe. Jo kuch main bolunga mere piche bolenge. Aaj ka din mera hai. Agla saal mera hai. Aane wale din mere hain. मुझे कुछ बनना है मुझे कुछ बनना है मुझे कुछ करना है मुझे कुछ करना है मैं अपनी फैमिली के लिए अपने स्कूल के लिए गौरवशाली होऊंगा गौरवशाली होऊंगी लड़कियों को बोलना होऊंगी वेरी गुड जोरदार क्लैपिंग एक बार शोर मचाइए थोड़ा और शोर मचाइए अगला सवाल 1000 रुपए का दया निधि जी की तरफ से तुमने कहा अगला सवाल बहुत आसान ओके दया निधि जी कह रहे हैं अगला सवाल 2000 रुपए का अरे बाप रे अगला सवाल 2000 रुपए का और रोपर से आ रहा है आईआईटी से ओके बहुत आसान सवाल है जिंदगी में कोई भी इंसान भाई पहले माइक दिखा दो मुझे दोनों तरफ मुझे माइक दिखा दो यस ओके बच्चों को मजा आ रहा है बच्चों को अच्छा लग रहा है ओके रोपर के आईआईटी डायरेक्टर साहब जाने वाले हैं 5 मिनट दिए हैं 2000 रुपए का सवाल दयानिधि जी की तरफ से है दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने जीवन में कम से कम एक बार झूठ ना बोला हो जो आदमी ये कहे मैंने कभी झूठ नहीं बोला वो सबसे ज्यादा झूठ बोल रहा है किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोला हो किसी की मदद करने के लिए झूठ बोला हो क्योंकि मैं आर्मी की बैकग्राउंड से हूं मैंने बहुत बार बहुत सारे लोगों की जान बचाने के लिए बहुत सारी जगहों में आतंकवादियों के साथ फंसे होने की वजह से झूठ बोला होगा ओके सवाल 2000 रुपए का नितिन ठाकुर जी इधर का माइक कहां पर है ओके इधर का माइक कहां पर है यस जो मैडम यहां माइक ले रही है इनके लिए भी क्लैपिंग कर दो एक बार जरा जोर की और उधर कहां पर है माइक ओके नितिन जी के लिए भी सवाल बड़ा सिंपल वेरी सिंपल हर इंसान ने अपने जीवन में कम से कम किसी की जान बचाने के लिए मदद करने के लिए भाई बहन की मदद के लिए दोस्त की मदद के लिए कभी ना कभी झूठ बोला होगा ऐसी कौन सी चीज है जिसके साथ हम झूठ नहीं बोल सकते नहीं माता जी के साथ तो रोज सुबह 5 बजे से झूठ बोलते हैं माँ झूठ मत बोलो माँ तो कितनी अच्छी है कितनी प्यारी है एक माइक दो नितिन माइक दो यस कौन सी चीज है जिसके साथ झूठ नहीं बोल सकते एक मिनट यस माइक की आवाज नहीं आ रही माइक की आवाज नहीं आ रही ओके मैडम आप इधर का सवाल कौन सी चीज अपने आप से तो सुबह 4 बजे से झूठ बोलते हैं हाँ जी कौन बच्चा कम ऑन मशीन ओके और कोई इधर इधर भाई माइक की आवाज नहीं आ रही नितिन आवाज नहीं आ रही आईआईटी रोपर तक पहुंचनी चाहिए सर कौन बोला सर 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 इधर बोलिए शैडो बोलिए आंसर गॉड नो शैडो और नेक्स्ट अपने आप से तो भैया रात को भी झूठ बोलते हैं सुबह बीच रहने दे नेक्स्ट से ओके ओके आत्मा से झूठ नहीं बोल सकते इस क्वेश्चन का आंसर आपको 30 सेकंड के बाद मिलेगा
उससे पहले सारे बच्चे इकट्ठे यहाँ पर आज एक शपथ लेंगे। माननीय नंदिता पाठक जी, अपने भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान एवं डॉक्टर सरिता दास जी डायरेक्टर IIT, आइए और एक शपथ सारे बच्चे इकट्ठे, सभी बच्चे इकट्ठे बोलेंगे और उसके बाद आपका इनाम रेडी है। सभी बच्चे इकट्ठे बोलिए, महात्मा गांधी ने, सभी बच्चे पीछे बोलिए, महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी भी नहीं थी बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी जी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को जागरूक करूंगा। मैं ना गंदगी करूंगा और ना किसी को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं ये मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और ना ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे देंगे। इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा हर एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। ओके, अब देखिए माननीय वाइस चांसलर साहब, जोरदार स्वागत कीजिए इनका। उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, पंजाब यूनिवर्सिटी के माननीय वाइस चांसलर साहब ने। हमारा प्रश्न बीच में रह गया था, स्वप्न। ओके, राइट राइट साइड में, ये कौन बोला, ये कौन बोला, ऊपर से कूद के आ जाइए, जो बोला एक बंदा, आ जाइए आ जाइए, एक नो ओनली वन बॉय, नो 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 ओनली, सॉरी सॉरी, आइए आइए, अपना नाम बताइए। अमरजीत, अमरजीत,
माननीय वाइस चांसलर साहब इस बच्चे को 2000 रुपए की राशि देंगे। एक चीज जो इस बच्चे ने बताया वो है आपका दर्पण, आपका शीशा, आपका मिरर। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आप अपने बारे में जानते हैं और आप अपने आप से बात करके कहते हैं कि शीशे तुझे ही पता है कि मैं कैसा हूं, किसी और को मेरे बारे में नहीं पता। इन शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने का आमंत्रण दिया। आज से हर बच्चा फोकस्ड हो जाए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सोचे, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करे। आपके पास जो मोबाइल है उस मोबाइल का सदुपयोग कीजिए। भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद।